मैं आया हूँ सिंहगढ़, और सिंहगढ़ का ये पहाड़ी हम चढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, चढ़ाई चालू हो गई है। और बहुत सारे लोग तो उतर भी चुके हैं, हम कुछ लेट हो गए। एकदम हरियाली वाला मौसम है, धूप खिल रही है और आप ऊपर तक देख सकते हैं। बस यहाँ तक पार्किंग लास्ट है, अब चढ़ाई मूल चढ़ाई अब प्रारंभ होगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता बनाया हुआ है, पत्थरों का रास्ता है पूरा, आप देख सकते हैं, जंगल है दोनों बाजू और पूरा जंगल। मेरे साथ ये डॉक्टर भरत और ये मनीषा भी साथ चल रही है। वैसे मेरे से उम्र में बहुत कम है, लेकिन मेरे से भी पीछे है। Thank you.
है ताकि आप नाश्ता वगैरह ले सकें। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, इसके आगे मैं दूसरी ग्रुप ज्वाइन करूंगा। लगभग ऐसा ही रास्ता आगे तक है, तो विशेष बात होगी तो मैं इसमें और बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी से झरना निकल रहा है, ले देता हूँ मैं। झरना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पानी बहता हुआ। और फिर अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट हो गया हमारा, थोड़ा आगे चल जाते हैं। पहाड़ियों का सीन बहुत ही सुंदर लग रहा है और हरियाली इतनी मस्त, मन भावन विभावन। और हमारे मित्र देखो यात्रा करके आ गए हैं। ओम आरम। और ये यहाँ देखो आप कितना गजब का सीन है। जी कान्हा जी आपने देखी होगी, और उसने ये इन्हीं पहाड़ियों के सीन है सब। इसी कोंडाना दुर्ग को उसने जीता था। ये बीच बीच में वापस छोटी मोटी हो जाए।
और मैं सीन शूट करते हुए चल रहा हूँ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं चल रहा हूँ। आराम से चढ़ाई हो रही है, मैं कोई थकान न कहीं सांस फूलना, शुरू शुरू में नीचे फूला था थोड़ा पर अभी वापस स्टेबल हो गया। छोटा बच्चा भी ऊपर चढ़ के आ गया है नीचे। वो देखो बहुत दूर वो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं झूम करता हूँ जो चढ़ रहे हैं लोग दिखाई दे रहे होंगे। और इधर ये झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, झरना बह रहा है, बहुत ही सुरम्य वातावरण, रमणीय स्थल। ये होटल है श्री गुरुदेव होटल और इनके मालिक बैठे हैं इधर, कितना मुस्कुरा रहे हैं। इसके आगे और फिर मैं बताऊंगा। यहाँ कुछ आते जाते लोग कुछ चढ़ा के जाते हैं, कोई स्थान होगा जो मान्यता होगी यहाँ की और फिर वापस चढ़ाई प्रारंभ हो गई है। चढ़ाई बहुत दुर्गम है, ऊना से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास से पड़ता है। लोग सुबह जल्दी जल्दी आ जाते हैं ताकि गर्मी से बच सके। जब लोग थक जाते हैं बीच में आराम करते हैं, आराम कर रहे हैं। अरे देखो कितनी सुंदर लग रही है, अब तो वापस हाथना आ गया है, लेकिन देखो ब्रेक ले लिया है, शॉर्ट ब्रेक उन्होंने भी ले लिया है, तो लगता है हमको भी लेना पड़ेगा। ये पहाड़ी का सुंदर नजारा देखें आप, लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ी पर। क्योंकि ये चढ़ाई थोड़ी दुर्गम हो गई, पहले इजी थी अब थोड़ी दुर्गम है, लेकिन चलो हम फिर चलते हैं आगे की तरफ अपनी मंजिल की ओर। हर एक कदम संभल संभल के चलना पड़ता है, जरा चूक गए तो फिसल गए।
रास्ता देखो कितना मुश्किल है, फिर भी क्या करें। हाँ हाँ मुझे कह रहे हैं कि मोबाइल संभाल लेना। लेकिन मैं चढ़ गया, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं थोड़ा लंबा रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा शॉर्टकट मारने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा थकान आ जाएगी। अच्छा है कि बीच में इसमें थोड़ा रेस्ट कर लें और चलें तो महसूस नहीं होगा। और देखें ये पहाड़ी कितनी ऊंची है, ये मैं थोड़ा चढ़ लूँ उसके बाद आगे का बात बताऊंगा। यहाँ से देखें आप आसपास के शहर, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुरम्य वातावरण है। लोग आराम करते हैं चलते हैं, आराम करते हैं चलते हैं, पर जहाँ जाना है तो थकान का तो कोई सवाल नहीं, थकान अपने आप दूर हो जाती है। चलें हम मेरे साथ चलें। हम जा रहे हैं सिंहगढ़ के किले पर, जिसके बारे में शिवाजी ने कहा था, सिंह गेला पर गढ़ जिंकला, और उसकी याद में ही ये कोंडाना जिले का नाम, कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ का किला हो गया। देखो छोटी सी बच्ची और ये भी बच्चा, ये भी अपने आनंद मना रहा है, पापा और मम्मी के संग जा रहा है। और इधर ये साइड में पूरी सीन देखो आप, ये झरना, झरने की आवाज़, आते जाते लोग, कितना सुरम्य वातावरण है। उड़ते हुए पंछी भी दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं, और ये रास्ता वापस ऊपर जाने का, फिर आगे हम चलेंगे। अभी जो जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कितनी चढ़ाई है, और ऊपर चढ़ना है हमें, बहुत ऊपर पहाड़ी के टॉप पर जाना है। चलते जा रहे हैं, बीच बीच में छोड़ कर रास्ते भी बनाए हुए हैं, आप चाहो तो इधर से जाओ, चाहो तो इधर से जाओ, जिसको मुश्किल मुश्किल रास्ते पार करने हैं वो इधर से जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ इन मुश्किल रास्ते पर चढ़ने की। चले थोड़ा चले फिर रुक जाते हैं। ये वहां से उतर रहे हैं यात्रीगण,
चिरेरी देखें हमारे भरत जी और मैंने से आ रही है। ये चढ़ाई एकदम सीधी जा रही है ऊपर और ये थोड़ा सा घुमावदार रास्ता है। हमारे डॉक्टर भरत तो घूम के जा रहे हैं और मनीषा सीधा चढ़ रही है, हिम्मत कर रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीधा ही चढ़ने की। हाँ ये देखो आप मिल गए, आपने कहा आपका वीडियो ले लूं, पर देखो कितना खतरनाक रास्ता है, पर चलना तो है, हिम्मत हारने से काम होता नहीं। तो हम चले चल रहे हैं ऊपर की ओर। हमारे नौजवान नौजवान देखो रुक गए हैं, फिर भी चल रहे हैं, रुकते हैं चलते हैं, चले चलो चले चलो, बाधा कोई चीज बाधाओं पे चीर कर चले चलो। देखो कितना आनंद से आ रहे हैं, ऊपर जाके उतर गए। हम थोड़ा लेट निकले इसलिए लेट चले हैं। दुर्गम रास्ता है, पर रास्तों में विकल्प दिए हुए हैं, मुश्किल से चढ़ना है। गजब गजब मौसम भी गजब का है, पहाड़ियाँ सुंदर है, नीचे तलहटी में गांव है, बहुत ही रमणीय नज़ारा है। बीच बीच में छोटे छोटे होटल्स है ताकि थोड़ा आराम कर सके। बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा, और नियमित रूप से आते हैं? यस, पहले तो हर संडे आता था। ओहो, लौड़ोंगे पहले। आज बहुत आनंद मिलता है यहाँ का, यहाँ के सब सारे तोरना या राजगढ़ सब किले घुमाओ। सारा कल सुबह भाई भी मेरा हाई स्ट्रेक हो गया है। ओहो, अभी मैं पुणे से साइकिल पे आया। वाह गजब बात है। मेरा बेटा भी शौक से करता है, मुंबई टू गोवा साइकिल पर गया। ओके, 5 दिन में।
अब स्टॉप कर दो, थोड़ा आगे जाओ। ये हम दम एकदम चोटी पर पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा ही आगे और चलना पड़ेगा। आस पास में सारों का नज़ारा दिख रहा है। वो डैम है, क्या नाम है उसका? खड़कवास डैम, खड़कवास का डैम, बहुत बड़ा डैम है। लोग अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर एक बार प्रवेश करेंगे, तब मैं आपको सीन बताता हूँ। बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, लोग उतर रहे हैं, रास्ता खतरनाक है। अंकल भी बीच बीच में पानी भी है, देखो आराम से उतर रहे हैं सभी। उतरने में इतना मुश्किल नहीं है जितना चढ़ने में है। नहीं अंकल जी, उतरने में भी मुश्किल है, उतरने में घुटने पे प्रेशर आता है। ये तो हिम्मत, हमारी हिम्मत को हरा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उतरने में सावधानी बहुत रखनी पड़ती है क्योंकि कहीं पैर ना फिसल जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और ये यहाँ से किले का दरवाज़ा दिख रहा है, ये किला, ऊपर हमें जाना है और ये पहला दरवाज़ा, हम पहुँचेंगे अभी, ऊपर जाके बताता हूँ। फोन तो नहीं काट रहे, वीडियो चालू। बहुत सारे लोग एक साथ किले से बाहर निकल रहे हैं, पूरा का पूरा जत्था। और ये बीच बीच में नाश्ते की दुकानें जहाँ हम नाश्ता कर सकते हैं, और किले का प्रवेश द्वार। बहुत सारे लोग किले से बाहर निकल गए हैं, जय शिवाजी जय भवानी के नारे के साथ में सब नारे लगा रहे हैं। और ये बाहर का दृश्य देखें, इस तरफ भी ये बाहर का दृश्य, नीचे का पूरा दृश्य, आसपास के गांव, पहाड़ियाँ। और पहाड़ी के टॉप पर हम पहुंच चुके हैं, बस अब किले के प्रवेश द्वार में हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ कुछ नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं, हम प्रवेश करेंगे अब भीतर। ये पुणे दरवाज़ा, पुणे की तरफ से किले में प्रवेश करने के लिए ये दरवाज़ा था, और ये पुणे दरवाजे के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। ये पूरी जानकारी पुणे दरवाजे के बारे में यहाँ लिखी हुई है। और ये भरत और मनीषा पुणे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, ये भी अपना सेल्फी ले रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि मैं उनको वीडियो ले रहा हूँ। हाँ, सेल्फी भी निकालो, दरवाजे थोड़े जाओ आगे, दरवाजे पे भी जाते हैं हम लोग, अपना सेल्फी लेते हैं। ये हमारा सेल्फी ले रहे हैं और हम आगे का वो सब शूट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर। दरवाजा ऊपर का है क्या? हाँ, स्टैंडिंग निकालो तो, स्टैंडिंग। हाँ, ये पूरा दरवाजा स्टैंड लेना चाहिए। ये दरवाजे के ऊपर से पूरा व्यू ले रहा हूँ मैं, डैम का, पहाड़ियों का, किले का। दूसरी दरवाजा, दूसरा दरवाजा दिख रहा है यहाँ से, उस दरवाजे होकर हमें गुजरना है, पर अभी तो किला दूर है।
लेकिन हौसले मजबूत है तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। और ये कैसे लाइट के खंभे डाल के नीचे से ऊपर तक आए हैं लाइट बना देंगे तो भी चालू कर दो। हाँ, वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इस जगह पर हम हैं वन क्षेत्र बांबूडा महाराज शासन वन विभाग पुणे सीगढ़। ये पूरा आसपास के क्षेत्र का नक्शा है कहाँ कहाँ पे है और हमें पूरा ऊपर जाना है। अभी दूसरा दरवाजा सामने दिख रहा है, वहाँ से होते हुए अंदर जाएंगे और लोग उतर रहे हैं। गुफा टाइप है कि नहीं? पानी है। वो बोल रही ना आंटी। ये देखो पूरा गुफा जैसा बना हुआ है। नीचे पानी है क्या? इसके अंदर पानी भरा हुआ है, कुआ जैसा है, नेचुरल बना हुआ है ये पूरा। अंदर पानी है। और ये दूसरा दरवाजा, नाम मिट गया है यहाँ, कौन सा दरवाजा है? लोग आ रहे हैं। अब किले के अंदर प्रवेश हो गया हमारा। बहुत विशाल और विस्तृत किला है, जगह बहुत लंबी चौड़ी है। देखें ये शहर का नज़ारा वापस। हर थोड़ी ऊंचाई से मैं आपको शहर दिखा रहा हूँ। देखें ये पूरा शहर। लोग चढ़ रहे हैं अभी भी किले पर, अंदर भी वापस चढ़ाई है। और तीसरे दरवाजे में हम एंट्री करेंगे। उधर भी लोग शूटिंग कर रहे हैं। अभी हम टोक करने की तरफ जा रहे हैं। सात हजार कदम हम चढ़ चुके हैं। पानी भरा है। पानी है अंदर पूरा पानी भरा।
पर अभी तक किला जैसा कहीं दिखाई नहीं दिया। बस ये जगह बनी हुई है सिंहगढ़ किला, जैसे राजस्थान में राजा महाराजाओं के महल वगैरह पर दिखाई देते आज भी है। यहाँ ऐसा कुछ दिखाई अभी तक दिया नहीं, अगर दिखता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। छोटी मोटी होटलें बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ यहाँ घूमते घूमते जो थक जाएं तो आराम कर सकते हैं। हाँ ये हमारे शिवाजी वापस मिल गए यहाँ पर पूरे से ना बगने सगड़ा। हाँ समाधि वगैरह। सिंहगढ़ किले का इस तरफ कोंडेश्वर मंदिर है ऊपर की तरफ, और इधर तानाजी की समाधि है। समाधि की ओर जाएंगे अभी हम। मोबाइल में अच्छे केले मस्त केले समाधि बंद ले ले। हां 10:17 पीएम से ये वीर तानाजी मालुसरे की समाधि है। कितना सुंदर दृश्य बनाया है। और हम वीर तानाजी की समाधि पर पहुंच चुके हैं। नरवीर सुबेदार तानाजी राव मालुसरे की समाधि देखें।
किले से वापस नीचे उतर रहे हैं। वही रास्ता जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमें नीचे उतरना है। और ये सीन आप देख रहे हैं शहरों के नीचे पहाड़ियों के। तो कोंडाना किले का ये वीडियो आज यहीं पूरा कर रहा हूँ। आज और मिलेंगे। नमस्कार। अब हम किले से नीचे उतर गए हैं। किले की यात्रा हमारी पूरी हो गई। नीचे खड़क और वापस वासना डैम चल पड़े हैं पूना की ओर। बहुत बड़ा डैम है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कभी मेरी यात्रा होगी तो उसका वीडियो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार। हर गलती के नहीं मानेगा मैं। हॉस्पिटल में जाने बहुत अच्छा रहेगा।